So, right on. We have graphical, basically, we are going to start graphical representation of the data, right? So, graphical. Graphical representation of data. Graphical representation of सर आपने कुछ अब तक इम्पोर्टेंट कुछ बोला है क्या? मैं आपको थोड़ी देर सुन नहीं पाया। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बोला, अब बोल रहा हूँ जो बोला है। अच्छा फिर ठीक। हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डेटा है ना। डेटा क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है ही, बता। प्लूरल प्लूरल, सिंगलस सिंगुलर। डेटम। डेटम राइट। बैक्टीरिया, बैक्टीरियम। रेडियस, रेडिया है। फोकस, फोका है। फिजिक्स में पढ़ते होंगे ना, फोकस। यस सर। चलो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में एक बार ग्राफ आता है। बेसिकली ये 8th में भी आपने पढ़ा है कि बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, कि आपने देखा होगा लास्ट में, क्रिकेट का जब समरी जब दिखाते हैं, जो कमेंटेटर्स होते हैं टीवी पे, अगर आपने देखा होगा है ना, तो स्कोर और कितने एवरेज पे कैसे विकेट गिरा, तो उसमें भी एक्चुअली हिस्टोग्राम यूज करते हैं, बार ग्राफ यूज करते हैं। एग्री हो गया आप लोग? देखा है पाई चार्ट किसी? भी करते हैं सर। हाँ, तो आपने देखा होगा है ना, और नहीं देखा होगा तो देख लेना, ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा, है ना, तो मजा आता है फिर। ठीक है, पहला इसमें आता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इम्पोर्टेंट आता है कि बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ, खुश रहिए और फिर मैथ्स पढ़िए। ठीक, बार ग्राफ बेसिकली, बार ग्राफ होता क्या है कि दिस इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, दिखवा देता हूँ ये भी। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बार ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा। वैसे कुछ डाउट्स, ज्यादा होमवर्क दिया नहीं था लास्ट टाइम है ना, उसी के कोई डाउट नहीं आया होगा है ना। तीन ही क्वेश्चन थे सर। माय गॉड, तब तो मन में लड्डू आपको और फूटा होगा फिर। बार हाँ ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा डेटा बाय नंबर ऑफ बाय नंबर ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म। बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय नंबर ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इरेक्टेड हॉरिजेंटली, इरेक्टेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली, इरेक्टेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली विथ इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग बिटवीन। सर आपने इधर क्या लिखा एक बार पढ़ देता हूँ तनिष। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंट इरेक्टेड इरेक्टेड वो फिजिक्स में होता है ना, इमेज बनता है, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा, है? ओके इरेक्ट। हाँ, इमेज वाला सर। सर इरेक्ट, बिटवीन द बार्स राइट। राइट। अ बार ग्राफ इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूमेरिकल डेटा बाय अ नंबर ऑफ बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ इरेक्टेड हॉरिजेंटली और वर्टिकली विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन देम। ठीक है, बेसिकली बार ग्राफ क्या होता है? एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, नाम से मतलब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एक न्यूमेरिकल डेटा को। ठीक है, बार्स के थ्रू है ना, तो
बेसिकली वो रेक्टेंगुलर बार होते हैं, उनका जो वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं ना, और यूनिफॉर्मली डिस्टेंस उनके बीच में होता है। ठीक है, आपने 8वीं में भी पढ़ा ये चीज, बट आपकी खुशी के लिए और एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक साइड में यहाँ पे ये इयर्स, और यहाँ पे मान लो फ्रीक्वेंसी दे रखा है इन्होंने, मतलब एक्सपेंडिचर इन 10 लाख ऑफ रुपीज, जैसे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे इन्होंने दिया है, एक कंपनी है ना। ठीक है, मान लो कुछ तो एबीसी कंपनी है, उसका हर साल का एक्सपेंडिचर दिया है 10 लाख रुपीज में। ठीक है, इन 10 लाख्स ऑफ हेल्थ के ऊपर खर्चे हुए। ठीक है, तो इसका अगर मुझे बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, 2004, 2005, ठीक है, 2006, 2007, 2008, राइट, तो यस यहाँ पे मान लिया 2004 है, इसमें 5 ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 2004 सर, मतलब कि 2004 के अंदर उसने 5 टाइम स्पेंड किया क्या हेल्थ के यस लिए? यस राइट राइट करेक्ट करेक्ट। 50 लाख है ना? हाँ, 2005 में उन्होंने 15 15 × 10 लाख खर्च किया, कंपनी है ना उसका, 2006 में 25। सही बात है ना भाई, हर प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रही है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ना ही चाहिए, ऑब्वियसली लॉजिक अगर लगाओ तो। 35, अरे वाह, 2008 में इतना कम कैसे भाई, 10 हो गया। ठीक है, क्या 35 को कोरोना का टाइम रहा? नहीं, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है, ऐसे इसमें इतना कम नहीं हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी की एक्सपेंडिचर ये है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मुझे इसको बार डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कैसे करोगे? तो सर उसमें ना जो ईयर्स रहेंगे ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रहेंगे, दैट इज द वाई एक्स वाई एक्स एक्स एक्सिस, सॉरी, एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकली जो रहेगा वो एक्सपेंडिचर डालेंगे वाई एक्सिस पर, पहला सही है, बड़े प्यार से इसको, क्वार्टर। हाँ जी, इसको प्यार से बना देते हैं ना। कितने हैं, 2004 से लेकर 2008 तक है, 5 ईयर्स का दिया है, और एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर जो है अगर ध्यान से देख रहे हैं तो 5 से लेकर मतलब 5 के सारे मल्टीपल है, राइट, फाइव से मैक्सिमम डिविजिबल, मैक्सिमम 35 है, तो बड़ा जिंदगी हमारी आसान हो गई मैथमेटिक्स के फील्ड में अगर बात करें तो। 7 यूनिट्स। यस, तो 5 हो गया यहाँ पे, 10 हो गया, 5 का मल्टीपल पढ़ दो और क्या, मतलब मल्टीप्लीकेट टेबल बचा लेना भाई, इतना में हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, सही है, ये x और ये हो गया y। ठीक है, यस सर नो, यस सर, ओके, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक 2004 में कितना था, 5, मतलब ये था 5, फ्रीक्वेंसी 5 है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, दिस इज एक्सपेंडिचर। आप ऐसे तिरछा लिख लिख लेना, मतलब हॉरिजेंटली लिखना चाहिए, मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लिखने में दिक्कत हो गया ना, मैं लिख नहीं पाऊंगा एक्चुअली, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर। ठीक है, सर कौन से इयर्स सर? 2004 टू से थाउजेंड लेके एट तक है ना, एक्सपेंडिचर हो गया पूरा, आप लिख लेना है ना, इन लैक ऑफ, इन 10 लैक ऑफ रुपीज के हिसाब से, राइट। ये है 2004,
2005, 2006, 2007 or 2008. तो मुझे 2004 में 5 है, तो हम क्या सर ये भी एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर, वाया के भी ऊपर सर ये जो 5, 10, 15 है वो फ्रीक्वेंसी है ना, नंबर ऑफ टाइम जितने इसने ये ये कैब बाय किए। फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट करेक्ट फ्रीक्वेंसी। ओके ओके सर, ओके सर। 2004 में और जो ये है 5 × 10 लाख खर्च हुआ, कितना छोटू सा ही मैंने दिया है। 2005 में फिर कितना है, 15 है ना, 2005 में 15 है तो 15 दे देंगे और क्या। किसी को थोड़ा कम ज्यादा लगे एडजस्ट कर लेना, तो मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ आपकी की तरह, आप लोग के पास तो ग्राफ होगा भी, होना भी चाहिए। 2006 में 25 है तो 2007 में 35 है। एक स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो कौन सा 12th क्लास का स्टूडेंट, सर अब लास्ट टाइम कब हुए थे मुझे याद ही नहीं आ रहा है, क्या उसका आंसर देता। 2007 ये देखो 35 राइट, यहाँ पे यूनिफॉर्म लाइक जो साइज होती है ना वो भी सेम इसकी होती है, समझ में आ रहा है। अच्छा फिर 2008 में 10 होती है, 10 मतलब यहाँ पे आ गया, इसी से ओके फॉर एवरीवन, समझ में आ रहा है बताइए। यस सर समझ में आ गया सर, एक सेकंड सर मैं ये लिख लेता हूँ सर। हाँ ये इयर्स हो गया, ठीक है बार ग्राफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। सर ये 2007 का सर 40 पे जा रहा है ना सर, 35 पे, ये वाली देखो ना, ये वाला लिखा है आपने ना, इसके अकॉर्डिंग जा रहा है ना 2007 में 35। नहीं सर वही मैंने नहीं लिखा था सर, तो वही मैं प्रेडिक्ट कर रहा था। नहीं नहीं इसको ये थोड़ा ये 35 पे ही है, थोड़ा ज्यादा वही बोला कि थोड़ा एडजस्ट करना। बार ग्राफ ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ बाय एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, कुछ तो कंपनी के नाम है, ये तो यही होता है बार ग्राफ, बस इसको आप लिख लें। अब इसके फीचर्स बुक्स में दिए हैं तो फीचर्स नहीं आएंगे एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है वो सब अगर वो मैं लिखाऊंगा तो फिर वो हो जाएगा हिस्ट्री सिविक्स लगेगा, अरे हम हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइक इंपॉर्टेंट फीचर्स बायोग्राफ का क्या क्या होता है, तो जो भी अनक्लासिफाइड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ना, और या कि समझ में आ रहा है। और फिर जो बार ग्राफ का जो ब्रीथ होता है आर्बिट्रेरी होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेक श्योर कि ब्रेथ ऑफ ऑल द बार ग्राफ शुड बी इक्वल। और किसी भी वेरिएबल सर, लेकिन अगर ग्राफ पेपर होगा तो बहुत इजी हो जाएगा सर, बहुत इजी हो जाएगा उसी ग्राफ पेपर, ये नोटबुक पे बनाओ तो एक मार्क्स नहीं मिलेगा, अगर स्कूल में आता है ना तो यू आर सपोज्ड टू ड्रॉ दिस ऑन ग्राफ पेपर। ओके सर, सर अब पीछे जा सकते हैं क्या सर, पीछे मतलब आगे क्या, ड्रॉ करूंगा।
हिस्टोग्राम क्या होता हाँ है? हाँ सर, बार ग्राफ, हम बार ग्राफ को दंड आरेख बोलते हैं, दंड आलेख होता आरेख, है, आलेख, आलेख सही होता है। हाँ आरेख है इधर गूगल पे। अच्छा हो सकता है फिर। अ हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अ हिस्टोग्राम इज अ तो अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल्स in the form of rectangles one after the other. तो हिस्टोग्राम क्या होता है कि हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म द रेक्टेंगल्स वन आफ्टर द अदर। ठीक है राइट। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी तो व्हाट मतलब व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हिस्टोग्राम एंड द बार ग्राफ जस्ट बाय द डेफिनेशन व्हाट हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द बार ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम। देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। राइट सिंपल वही है, कॉन्सेप्ट्स वैसे ही रहेगा बट ओनली डिफरेंस इज कि देयर विल बी नो गैप बिटवीन द यू नो बार ग्राफ। और सर एक किंक होता है सर उसमें। हाँ किंक यहाँ इट्स नॉट नेसेसरी किंक यहाँ पे रहेगा ना लाइक सर सर पैराग्राफ में भी किंक हो सकता है ना, क्योंकि वो मतलब तभी लगाते हैं जब हम डेटा डायरेक्टली जीरो से नहीं लेके दूसरे नंबर से। करेक्ट 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 मतलब एक जंप जब हाँ, होता है तब वो सर मत किंक सिर्फ एक्स एक्सिस पे लगती है कि वाई एक्सिस पे भी लगती है। किंक किंक एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस ओनली एक्स एक्सिस यस। हाँ ठीक है तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ हिस्टोग्राम का। ठीक है तो एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या ये हो गया क्या लिख लिया डेफिनेशन हिस्टोग्राम का थोड़ा फास्ट कीजिए सर। एक और पूछो क्या? हाँ बोलो। हाँ अगर सर मतलब ऐसा कुछ तो डेटा या अलग जो मतलब क्या बोलो, ठीक है 200 से शुरू हो रहा है, ठीक है डेटा एक एक्सपेंडिचर हमें आप पकड़ ले, ठीक है वो एक 200 समथिंग 1 लाख का रहेगा उसका यूनिट, ठीक है 200 का मल्टीपल रखेंगे ग्राफ हाँ ठीक है एग्जैक्टली आप जो चाहते हो ना यश वही मिल जाता है। अच्छा फिर ठीक है हमने 200 से शुरू किया और आगे आगे मतलब 10 10 10 10 बढ़ते बढ़ते हुआ 300 तक गया, ठीक है हाँ ऐसे हमने स्केल लिया मतलब ग्राफ पे ही, ठीक है मतलब अगर लिया 200 to 250 फिर 250 to 300 ऐसे हमने वाई एक्सिस पे रखनी है आपको डेटा, तो उसके पहले तो हमें किंक डालनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं वो बार ग्राफ में वाई एक्सिस पे नहीं डालते हैं क्योंकि जनरली जो बार ग्राफ भी होता है वहाँ पे जो बार ग्राफ मतलब क्या हो गया मतलब सॉरी वो जो नंबर्स है ना फ्रीक्वेंसी है तो वहाँ पे मैच आउट हो जाता है। बट इफ यू टॉकिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइक क्लास इंटरवल एक तरीके से है ना तो जब ये कब होता है किंक जनरली कब लेते हैं जब कोई भी डेटा जब हमको क्लास इंटरवल के फॉर्म में यहाँ पे नहीं है समझ में आ रहा है ईयर्स दिया है 2004 2005 2006 अब ऐसे बात करो तो ये भी जीरो से नहीं चालू हो रहा है समझ में आ रहा है। बट तो हिस्टोग्राम के केस में मोस्टली वहां पे हो सकता है बट वो कब होगा लाइक वो क्लास इंटरवल अगर जीरो से नहीं चालू होता है तब होगा। उसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि किंग कहाँ पे लगेगा। ठीक है ओके सर आ गए सब समझ में आ गया। ठीक है तो ऐसे ही कुछ है इसकी कहानी। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं लिखिए हिस्टोग्राम का डेफिनेशन आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव रिटेन। आगे बढ़ते हैं सो लिखिए एक एग्जांपल है कि द मान लो एक ये है समझाने के लिए मैं एक ये बना रहा हूँ यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ है टेबल अच्छा और इधर है मार्क
इधर मार्क है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ अपने से वो फ्रीक्वेंसी, डेफिनेशन के बाद यही लिख रहा है ना अभी। हाँ, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे क्लास इंटरवल दिए गए हैं, मार्क मतलब ये क्लास इंटरवल है बेसिकली। फिर वो लास्ट स्लाइड पे जाओ ना 1 मिनट के लिए। हाँ 1 मिनट वो कर देता हूँ, इस समझा देता हूँ, फिर लिख लेना ठीक है। ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to 70 है, और एक आ जाएगा 70 to 80 है, राइट। और 10, 16, 22, 20, 18, 8, 2, राइट। अब इस डेटा को क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम, वो भी लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट दिस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ हिस्टोग्राम, राइट। तो जैसा कि हमने बताया कि हिस्टोग्राम में ये नहीं होता है, मतलब कोई गैप नहीं होता है, जो भी आप यहाँ पे बनाते हो, सो देयर इज नो गैप, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। देखो मार्क है तो 0 to 10, 10 to 20, ये बड़ा क्लियर कट दिख रहा है, मतलब हम क्या करेंगे 80 तक हमको बना, ठीक है, और 4, 10, 16, 22, तो ये ग्राफ पे होगा, हम 4 का ही मल्टीपल लेंगे, और ग्राफ बुक पे और ज्यादा इजी होता है। सो यहाँ पे यू कैन टेक इट 0, 4, 8, 12 है ना, 16, 20, 24। बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट, एक्स और वाई है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 80 तक है, सो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, राइट। Now histogram mein there is no gap, so what I can do here is yeah, so 0 to 10 mein 4 hai, to dekho aise hota hai, ye 4 se lage hue aise kuch rahega, samajh mein aa raha, ye 0 to 10 ho gaya, acha fir 0 to 10 ke baad 4 hai, fir 10 to 20 mein 10 hai, 10 to 20 mein 10 hai, matlab 8 से आगे थोड़ा सा जाएगा, मिड मिड उसका मिड, हाँ, ये भगवान अच्छा, अब ये थोड़ा सा बराबर है क्या, यस 10 to 20, फिर 20 to 30 में 16 है,
40 to 50 में कितना है, 20 है, फोर्टी टू फिफ्टी में कितना है, 20 है, 50 to 60 में 18 है, ये 40 to 50 में 20 हो गया, अच्छा 20 का 20 है, ओके, ये 22 है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको, तो 16 18, ये 18 है ना, 40 to 50, ओहो इस तो और कम रहेगा ना, ज्यादा हो गया ना, ये 18 है, 20 है, 22, परफेक्ट। ये 60 to 70 के बीच में कितना, 8 है। आप लोग समझ में आ रहे हैं, आवाज ही नहीं आ रही किसी की? गुड गुड गुड। 70 to 80 में कितना है, 2 है, सो 9, बस यही तो है हिस्टोग्राम, इसी को बोलते हैं हिस्टोग्राम। इसको आप अच्छे से ये कर लो, ठीक है, अच्छा देखे। दिस वाज ऑल अबाउट हिस्टोग्राम। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मन में तो बताओ जल्दी। सर वो लास्ट स्लाइड पे जाना, वो लिखना है इंट्रोडक्शन। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट ना, जिस चीज को मैं ये नीचे क्या है, मार्क्स है, ऊपर नंबर क्वेश्चन की मार्क्स। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। एक एग्जांपल, एक मिनट, वो पिछले दिखा सकते हो, एक मिनट फास्ट करो थोड़ा। हो गया सर, हो गया, हो गया। अगर एक वेट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 50 लोगों का, ठीक है, 50 लोगों का वेट दिया गया है ना, तो उसका अगर मुझे हिस्टोग्राम पे डेटा मतलब रिप्रेजेंट करना है, देन हाउ कैन वी डू इट, this is what we are going to learn. So this is weight in kg, number of persons, और यहाँ से जो जिसकी वेट 50 to 55 है उसमें 12 लोग हैं, 55 to 60 के जो कैटेगरी है वो 8 लोग हैं। सर आप हमें क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ जी, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ही बताऊंगा एक दो। अभी 60 to 65 में 5 लोग, या तो मैं इस कैटेगरी में हूँ या तो मैं इस कैटेगरी में, कंफर्म नहीं होगी इन दोनों में, 8 या 5। सो 65 to 70 केजी वाले लोग जो हैं 4 लोग हैं, 70 to 75 में सर पीपल रहना चाहिए ना वहाँ पे, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्संस है ना, कितने व्यक्ति हैं, सही है ना, अभी
और 80 टू 85 और इधर भी और एक है 85 टू 90, ठीक है, 5, 7, 6, 3। अब प्रॉब्लम ये है बिकॉज जो ये एज ग्रुप है 50 इयर्स से चालू हुई है, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ yes. पे जीरो से चालू हुआ है, तो हम किंग क्यों देते हैं, तो किंग इसीलिए देते हैं कि उस क्या सिग्निफाई करता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ की जो स्केल है, मतलब ग्राफ इज जॉइन टू द स्केल बिगिनिंग एट 50, बस वही रिप्रेजेंट करता है ना, किंग रिप्रेजेंट्स कि वो जीरो से चालू नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं हिस्टोग्राम पे, तो पहले किंग देंगे बिकॉज ये 50 टू 55 से चालू हो रहा है, तो यहाँ पे हम किंग, किंग मतलब क्या होता है, ब्रेक, ठीक है बच्चों, ब्रेक होता है, समझ में आ रहा है तो हाँ बोलो, सारे स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या, संस्कृति समझ में आ रहा है आपको, यस सर, ओके, वेदांत, तनिष्क, ईशान, नील, अमोघ, आदित्य, अनय, यश, यस सर, आर्यन, वेरी गुड, सिद्धार्थ, यस सर, गुड गुड गुड, आप लोग जब आवाज देते हो ना मैं खुश हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ एक्चुअली, यस प्रेजेंट ही सर, प्रेजेंट ही, सर ये जीरो है, ये सारे टू का मल्टीपल तो नहीं है बट हम बार ग्राफ पे बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ जो पर्सन है मैंने यहाँ पे टू दे रखा है, यहाँ पे फोर दे दिया, यहाँ पे सिक्स दे दिया, यहाँ पे एट दे दिया, यहाँ पे टेन दे दिया, यहाँ पे ट्वेल्व दे दिया, दिस इज नंबर ऑफ पर्सन, आप लोग ऐसे ही हॉरिजेंटली लिख लेना, मुझे लिखने में दिक्कत होगी, हॉरिजेंटली समझ में आ रहा है ना, ऐसे इस लाइन पे नंबर ऑफ पर्सन, और इधर वेट है तो यहां से 50, 55, 60, 60 को मराठी में क्या बोलते हैं यश, 60, अच्छा वो तो अच्छा हिंदी में 60 बोलते हैं, एक बार पूछता, और 70 को आपको भी नहीं मालूम, तो आपसे अच्छा मुझे आती है मराठी, 60 ही बोलते हैं सर मराठी में, 60 को मैं बोल रहा था कि तब तो आपसे अच्छा मेरी मराठी है फिर, हाँ सर वो नंबर्स का नहीं आता, अच्छा और 80 को भी 80 नहीं, उसको कुछ एनसी 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 एनसी, हाँ ये एनसी तो एक नाम हो गया सर, आपका मतलब मदर टंग हिंदी है क्या, हाँ यस, एक्चुअली दोनों की जो स्क्रिप्ट है ना, मतलब देवनागरी ही है मराठी, हाँ देवनागरी है, लेकिन एक दो वर्ड्स में थोड़ा अलग रहता है, काफी अलग, लिखते समय तो बोलते समय काफी अलग है, उसमें संस्कृत बहुत है मतलब मराठी में, ऐसा हमने देखा है, नहीं सर हिंदी में संस्कृत है ना ज्यादा, मतलब मैंने तो ऑब्जर्व किया है कि ये है, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स अभी ध्यान में नहीं आए बट इन मराठी ऑल्सो देयर इज सम लाइक संस्कृत वर्ड, बेसिकली आई हैव हर्ड कि दैट मराठी इज मेड अप ऑफ संस्कृत एज वेल एज हिंदी, मतलब दोनों मिलकर ऐसा कुछ, मतलब संस्कृत तो है हिंदी का नहीं पता बट चलिए, 50 से 55 के बीच में कितने, 12 है नंबर ऑफ पर्सन, तो किंग यही हो गया बिकॉज़ ये 50 और 55 मतलब सॉरी 50 और 55 के बीच में वेट है, राइट 50 और 55 के बीच, आई फॉरगॉट इसके बीच में, सो 50 और 55 के बीच में नंबर ऑफ पर्संस, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्संस आर देयर, 12, सो व्हाई वी आर बेसिकली राइटिंग किंग हियर, इट रिप्रेजेंट्स दैट द स्केल डजंट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, रादर देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 50, राइट, सो किंग का सिग्निफिकेंस यही होता है, 50 और 55 के बीच में हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्संस आर देयर, मतलब जो वेट है 50 और 55 के बीच में 12 पर्संस है, सो वी विल रिप्रेजेंट हियर, वेट हमको ये बनाना है ना, यस पहले समझ लो, ठीक है,
55 एंड 60 के बीच में कितना है? 8 है। एट है राइट। 60 और 65 के बीच में कितना है? 5 है। सिक्सटी फाइव और सेवेंटी के बीच में कितना है? 4 है। फिर सेवेंटी सेवेंटी फाइव के बीच में कितने हैं? 5 है। 5 ही है तो यहाँ पे साइज भी सेम रखने होते हैं ना, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा किसी का साइज ज्यादा किसी का कम लग रहा हो। फॉर योर इन्फॉर्मेशन साइज आर ऑल्सो इक्वल। 75 टू 80 के बीच में 7 है तो 7 राइट। 80 टू 85 के बीच में 6 है। 85 टू 90 के बीच में कितने? 3। ठीक है। सो ये जो है वेट है इन केजी, राइट। ये इसका हिस्टोग्राम है। ठीक है, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। सर उसका समझ राइट। तो ये होता है यूज ऑफ समेशन राइट। इसे काफी ज्यादा सॉरी ये ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा पढ़ क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं या समेशन भी। इसका मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। समझ में आ रहा है? एडिशन होता है। यस सर। तो अगर जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि अगर ऐसे कुछ है, एक्स आई दिया है, सिग्मा ऑफ एक्स आई और आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। इसका मतलब क्या है कि आई का वैल्यू 1 से लेकर एन तक रखना है और उसको ऐड करते जाना है। लाइक आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स वन फिर प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस कहां तक? एक्स एन तक। तो सिग्मा ऑफ एक्स आई का मीनिंग क्या है? ये होगा। क्लियर है? वो सिग्मा के ऊपर क्या है सर? एन है, एन एन मतलब आई, इसको लिमिट बोलते हैं। आई का लोअर लिमिट 1 है मतलब, और ये अपर लिमिट एन मतलब 1 से लेकर एन तक वो जा रहा है ऐसा।
और सिग्मा मतलब प्लस, मतलब ऐड करते जाना है। मतलब लोअर लिमिट, हाँ लोअर लिमिट वन है और फिर अपर लिमिट एन है, राइट, करेक्ट करेक्ट, ओके गॉट इट। हाँ अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ऐसे होता सिग्मा एक्स आई आई की वैल्यू जीरो से लेकर फाइव तक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स सर एक्स जीरो प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स, या करेक्ट, ठीक है। तो इसका हमको अगर जैसे मान लो, और एक बता देता हूँ, सिग्मा के आई है एक्स आई है और आई की वैल्यू वन से लेकर एन तक अगर है, तो ये के आई एक्स आई दोनों सिग्मा के अंदर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अगर के कॉन्स्टेंट तो है नहीं, के कॉन्स्टेंट होता तो सिग्मा के बाहर आ जाता, बट ये इसके सिग्मा के बारे में पूरे डिटेल्स में 11th में पढ़ना है, एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर्स है तो वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज है तो जानकारी के लिए मैं बता। सर ये एन को क्या बोलते हैं सर? एन वो पावर है, पावर मतलब लिमिट है, आई की लिमिट, आई का पावर वन मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ऐसे बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, ये इतना ये एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, लाइक वन से चालू हो रहा है तो के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री प्लस, राइट, के फोर एक्स फोर प्लस फाइव एक्स फाइव प्लस, है ना, एंड सो ऑन कहां तक, के एन एक्स एन, ठीक है। अब इसी का यूज है यहां पे, इसको पहले इतना लिख लीजिए, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। ठीक है, इसको लिख लिए पहले आप, फिर आगे बढ़ते हैं। सर वो लिख रहा था, सॉरी एक मिनट सर, एक ही मिनट से लिख रहा था। एक ही मिनट, हो गया। नेक्स्ट जो आता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने होता क्या है बेसिकली, कि अगर मैं बोलूं तो एक एवरेज होता है, समझ में आ रहा है, एवरेज। कभी कभी डेटा बहुत बड़ा होता है तो जो यूजर होता है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको इन डेटा से नहीं मिल पाता है, उस केस में हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिसको एवरेज बोलते हैं, और वो जो एवरेजेज को बेसिकली हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, और उसके सेंट्रल टेंडेंसी जैसे हुआ तो उसके मेजर्स जो जो होते हैं, कौन कौन से जो एवरेज है वो यूज होते हैं कॉमन तौर पे, तो ये होता है अरिथमेटिक मीन होता है जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन पहला, या फिर सिंपली मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन सिंपली कॉल्ड मीन, यानी मीन के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं, मीडियन के बारे में देखेंगे, और तीसरा मोड के बारे में देखेंगे। एक्चुअली तीनों एक तरीके का एवरेज ही है, समझ में आ रहा है, पर तीनों अलग अलग तरीका से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ पहले मीन का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अनग्रुप डेटा के लिए मैं पहले बता रहा हूँ,
ठीक है, मीन ऑफ वन ग्रुप डेटा। और आपने लास्ट लाइन पे सिर्फ समेशन के बारे में ही लिखा है ना कि और कुछ? नहीं, बस यही लिखा है। ओके सर। सो मीन ऑफ, सिंपली कॉल्ड मीन है ना सर पहले ए में? यस यस, मीन ऑफ वन ग्रुप डेटा इसमें क्या होता है कि मीन ऑफ वन ग्रुप डेटा मतलब जहां अलग अलग लाइक तुमको अलग अलग ये दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दिया है ना, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है। ठीक है, उसका सब तो होता क्या है कि हमको जो ऑब्जर्वेशंस और नंबर्स दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उससे हमको मीन निकलता है। तो मीन को जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं ऐसे करते हैं, एक्स बार से एक्स वन मतलब मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। ये सिंपल है, जैसे क्लास में जो एवरेज मार्क्स निकालना होता है, मान लो 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे के एवरेज मार्क्स निकालना है, मैथमेटिक्स का मार्क्स आया है, किसी के 50 आएंगे 40 आएंगे, सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उससे डिवाइड कर दो, उसको हम एवरेज बोलते हैं। इसी सर वो लास्ट पॉइंट के मीन ऑफ, सर मीन मतलब अनग्रुप्ड डेटा, मैं वही बता रहा हूँ, मीन मतलब एवरेज, सिंपल। जैसे अगर मैंने मीनिंग हुआ कि मान लो क्लास में थोड़ी देर के लिए 5 बच्चे हैं, सॉरी एक स्टूडेंट का मान लो 100 में 50 मार्क्स में, या मान लो 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, एक को 60 मार्क्स है, और एक को मान लो 100 मार्क्स थोड़ी देर के लिए। मतलब सर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ वही बोलते ही है, इसको मैंने ऐसे लिखा है। तो 4 बच्चों का अगर मुझे एवरेज निकालना है तो हम क्या करते हैं सर? 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 75, राइट। तो जो मार्क्स हैं उसको ऐड करके जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उससे डिवाइड कर दो। तो वही बात है, x1 x2 x3 ये मान लो कुछ तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब मार्क्स हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और इसको फॉर्मूला क्या, n जो है ये होता है, आप ऐसे ही याद रखें, n जो है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, सिग्मा को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, i का वैल्यू 1 से लेकर n तक। नहीं समझ में आया सर। ये समझ में आया क्या, ये पहले बताओ। हाँ सर वो समझ में आया। बस लिखने का तरीका, इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स वन एक्स टू और डॉट 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 एक्स एन, और 1/n है मतलब सब किसी के लिए बाई एन है, ये मीनिंग हुआ। ओके ओके सर, गॉट। हां सो दिस इज जस्ट अ वे टू, दिस इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीनों का बस फार्मूला बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें काफी कुछ है, बट एक बार मैं फार्मूला बताकर ही आगे बढ़ने वाला हूं। शायद हो सकता है कि और एक क्लास लगे, बट एक क्लास नहीं, हाफ क्लास में भी लग सकता है, बट जल्दी जल्दी करेंगे तो हो जाएगा। इसी को मैं यहाँ पे नीचे बता देता हूँ, सेकेंड जो होता है मीन ऑफ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मीन ऑफ सर ग्रुप्ड रहेगा ना अभी, एक मिनट, या चलो डिस्क्रीट मैं लिख देता हूँ, बट यहाँ पे ऊपर ही सर आपने अनग्रुप किया सर, ऊपर ही डिस्क्रीट है सर। हाँ राइट करेक्ट है, ऊपर में हमने ये किया है ना, परफेक्ट। तो ये तो ठीक है, हाँ ऊपर में हमने अनग्रुप कर दिया है ना, हाँ, और इसमें ग्रुप है, ठीक है। इसमें एक्चुअली ठीक है, ठीक है राइट, मतलब दोनों एक ही है बट अलग अलग तरीका है, समझ में आ रहा है क्या? अभी ये जो बता रहा हूँ वो भी अनग्रुप ही है, समझ में आ रहा है क्या आपको? बट होगा क्या कि उसमें अलग अलग लाइक फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या है कि टोटल दिया है, इसमें भी वो अनग्रुप ही है, डिस्क्रीट है, बट व्हाट इट विल हैपन हियर, फ्रीक्वेंसी और उस
ऑब्जर्वेशन अलग अलग दिया हुआ रहेगा, तो हमको निकालना कैसे रहेगा उस केस के। ठीक है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ ये ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो मीन ऑफ अनग्रुप डेटा। सर फिर उधर ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं ना कि अदर फॉर्म। हाँ, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो चाहिए तो। ठीक है, फाइन। ओके पर सर अभी मीन ऑफ ग्रुप है ना, मीन ऑफ अनग्रुप थी, अनग्रुप थी मैं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसे रहेगा। लाइक यहाँ पे क्या है, ये भी अनग्रुप्ड है, मतलब कुछ अलग अलग लाइक ऑब्जेक्ट्स है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दिया है टोटल नंबर। ये भी क्या है, मीन ऑफ अनग्रुप्ड, मैं बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। या डिस्क्रीट मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, समझ में आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सर अनग्रुप्ड भी होता है? हाँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था डियर, यहाँ पे बस x1 x2 दिया है, टोटल नंबर्स दिया है, तो उस बेसिस पे निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। ये जस्ट इजी हाँ, बराबर बराबर सर। फ्रीक्वेंसी मतलब वो क्लास इंटरवल्स रहेंगे उसमें। हाँ राइट, सो मीन ऑफ, लेकिन उसमें क्लास इंटरवल्स मतलब अपर और लोअर एक साथ में रहेंगे। करेक्ट। अब जैसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मान लो कि फ्रीक्वेंसी दिया है f1 f2 f3 डॉट डॉट fn, किसका फ्रीक्वेंसी, x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 का f2 है, x3 का ये है, xn का ये है, तब क्या होगा मीन, समझ में आ रहा है? आप ऐसे लिख लो कि लेट f1 f2 f3 बी एंड बी देयर फ्रीक्वेंसीज, बी देयर, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, बी देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, देन x बार क्या होगा, x बार जो होगा f1 x1, समझ में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई रेस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन का। सर मैं उधर मीन ऑफ अनग्रुप डिस्क्रीट के बाद ये लिखना, लेट लेट f1 f2 f3 fn बी फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट वो क्या। ये एक मिनट, ये हेडलाइंस में एक मिनट बता देता हूँ आपको तनिष्क, मीन ऑफ अनग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके नीचे लिखा है let f1 f2 f3 dot 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 fn be their frequencies of x1 x2 x3 dot 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 xn, then x bar equal to, समझ में आया क्या? f1 x1 plus f2 x2 dot 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 fn xn by f1 plus f2 plus f3 कहाँ तक, fn, बस ये था। और ये f1 f2 सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे तो पता है क्या है, ये n ही तो बन जाता है टोटल। हां सर, वो उधर की जगह b देयर, ये क्या है, b देयर फ्रीक्वेंसीज, f1 f2 f3 जो क्या है फ्रीक्वेंसीज है ना, लेट f1 f2 f3 डॉट डॉट fn be their frequencies of x1 x2 x3 dot 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 xn, then, और एक बार बोलता हूँ, let f1 f2 f3 f4 and so on till fn be their frequencies of x1 x2 x3 dot 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 xn, then x bar equal to f1 x1 f2 x2 fn xn by f1, actually both are same, जब इसको ऊपर वाले numerator को देखोगे ना तो ये sigma x है, समझ में आ रहा है, और नीचे वाला वो n बन जाता है, तो बट वो बराबर है सर, वही है सर, क्योंकि fn नीचे है ना, वो तो कैंसिल होगा बस। सो जस्ट इट्स अ वे मैंने इजी कर दिया कि अगर वैसा क्वेश्चन आया तो कैसे आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या सारे बच्चों को, बताइए, इज एवरीबॉडी एबल टू अंडरस्टैंड, आर्यन समझ रहा है क्या? हाँ सर। अवधूत समझ में आ रहा है आपको, संस्कृति, ईशान, अमोल? यस सर। ओके, लेकिन सर फिर ऊपर f1 x1 ऐसे क्यों लिया है सर, f2 x2, ये नहीं समझा कहाँ पे, तो ऊपर में ये तो योग। अच्छा एक चीज बताओ, ये सम है, अगर मान लो ऐसे आपने कभी क्या, जैसे पांच बच्चों का लाइक फाइव स्टूडेंट्स का जो एवरेज है 25 है, ठीक है, एवरेज मार्क्स 25 है, तो
पांचों बच्चों के मार्क्स का सम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, फाइव जो एवरेज है और इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम ये सारे नहीं समझा, एक बार समझा, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? जैसे मैंने ये बोला कि पांच बच्चों का मान, कोई क्लास में पांच स्टूडेंट्स है, पांच स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है 20 मार्क्स है, ठीक है, एवरेज मार्क्स जो है 20 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो टोटल जो मार्क्स है पांचों बच्चों का, जो सम का जो मार्क्स है वो कितना है, 100 मार्क्स है। 20 इंटू 5 करते हैं ना। अब लॉजिकल अगर देखो तो एक एक्स वन है, जैसे ये ऐसे हो गया ना कि मान लो एक्स वन एक्स टू मार्क्स है, तो मान लो एक्स वन जो है मान लो 20 मार्क्स है, तो 20 मार्क्स पांच बच्चों के आए हैं, तो उसको सम करना पड़ेगा ना 20 इंटू 5। ओके, जैसे मान लो एक्स टू 60 मार्क्स है, तो 60 मार्क्स 10 बच्चों के आए, 10 जो है एफ टू है 10, तो वो टोटल कितने मार्क्स हुए, तो एफ टू इंटू एक्स टू ना, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला तो वही होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये एक्स वन का एक्स टू का इसका सबका सम किया है, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एफ वन एफ टू एफ थ्री सबका अलग अलग दिया है। लाइक हेलो सर, हाँ हाँ बोलो सर, आप एक क्वेश्चन दे सकते हैं केस में बेस्ट, क्योंकि हाँ, समय इतना भी नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ यार, हाँ दो मिनट आप शांति से रहिए, मैं समझा रहा हूँ। हाँ आर्यन बोलो, बोलिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसके बाद तुरंत ही, नहीं तो फिर समझेगा नहीं। हाँ बताओ सर, एक हाँ बोलो सर, F1 X1 को सर हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं सर, वही चीज तो बता रहा। अच्छा एक, हाँ, एक चीज बताओ कि ये समझने की कोशिश कीजिए, ये हम फॉर्मूला एक जो एवरेज जो होता है, ध्यान से सुनो, एवरेज जो होता है ना या मीन बोलो, तो आपको जो अगर पढ़ा होगा आपने, तो होता है क्या कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट, बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। अब एक चीज जरा बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हो गया, एक नीचे भी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी रहेगा और कनेक्ट करना इजी यहाँ पे रहेगा। फाइंड द, ये क्वेश्चन भी मैं पहले सॉल्व करके बताने वाला हूँ, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे यश आप भी समझना, सारे स्टूडेंट समझेंगे, तो ये जो है मान लो कि ये नंबर, ये क्या हो गया, यहाँ पे मान लो कि ये एक नंबर है, नंबर मतलब वेरिएबल x है, और ये फ्रीक्वेंसी f दिया है, ठीक है। एट जो नंबर कुछ तो है यहाँ पे, जो एट है वो पांच बार आ रहा है, ऐसे समझ लो। दस जो है आठ बार आ रहा है, फिफ्टीन जो है वो एट टाइम्स आ रहा है, ट्वेंटी जो है फोर टाइम्स आ रहा है, राइट। अब देखना, हाँ रे बोलो सर, इसके अंदर सर 8 into 5 plus 10 into 8 plus 15 into 8 सुनो 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 20 into 4 by plus 8 plus तो हमको अगर सारे frequencies ना, हाँ अगर मुझे एवरेज इसका निकालना है सिंपल, ठीक है, सिंपल इसका एवरेज निकालेंगे, तो हम कैसे निकालेंगे नॉर्मली अगर एवरेज आप क्या करते हो, जैसे मान लो कि क्लास में पांच बच्चों के मार्क्स से मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, और पांचों बच्चे के अगर मुझे एवरेज निकालना है, तो आप लोगों ने ही बोला कि सर इसको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो, राइट। अब यही चीज तो हमने लिखा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस क्वेश्चंस के लिए, पहले मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चंस के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या समझ रहे हो, ये एट ऑब्जर्वेशन है, राइट, एट एक नंबर है जो कि पांच बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिंग, रिपीटेड टाइम्स, फिर टेन जो है आठ बार आ रहा है, फिफ्टीन जो एट बार है, ट्वेंटी जो
सॉरी वन मिनट, राइट। तो जो टेन है वो कितने बार आ रहा है, एट टाइम्स आ रहा है, ठीक है। या एट टाइम्स आ रहा है, फिफ्टीन जो है एट टाइम्स आ रहा है, ट्वेंटी जो है फोर टाइम्स आ रहा है। अगर मैं सम आपसे पूछूं तो क्या करोगे, किसी बच्चों के मान लो थोड़ी आठ नंबर आ रहा है, आठ नंबर पांच बच्चों के आए हैं, फ्रीक्वेंसी का तो मतलब वही होता है नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आठ बच्चों के, पांच बच्चों के आठ आठ मार्क्स हैं, तो उसको जोड़ोगे ना भाई, मतलब कैसे जोड़ोगे, एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट प्लस एट, तो पांच बार मतलब फाइव टाइम्स, इट्स बेटर टू राइट फाइव टाइम्स एट, उसको एट इंटू फाइव लिख दो, तीन जो पांच बार आप ऐड कर रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ एडिशन, सो कैन वी नॉट राइट फाइव इंटू एट। अब किसी बच्चे का किसी बच्चे का दस नंबर आया है बट वो आठ बच्चों को आया है, तो टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस लिखने से अच्छा है इट्स बेटर टू राइट एट इंटू टेन, इट्स बेटर टू राइट एट इंटू फिफ्टीन, इट्स बेटर टू राइट फोर इंटू ट्वेंटी। बात तो वही हो रही है, ये क्या है, एक्स आई है, एक्स वन एफ वन है ना, एक्स टू एफ टू, एक्स थ्री एफ थ्री, एक्स फोर एफ फोर, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी करते हो एफ वन एफ टू एफ थ्री, एड करोगे तो फॉर्मूला तो वही है ना। बोलो आ रही सर, इसका आंसर क्या 64 बाय 5 आता है क्या? उसको डेसिमल में करो, शायद सही है, मेरे पास डेसिमल में आंसर है। हाँ तो आई होप कि यश क्लियर हुआ क्या तुमको, 12.8 पूरा क्लियर हो गया। हाँ 12.8 है, परफेक्ट परफेक्ट सही है। हाँ मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, अभी वो जस्ट आर्यन समझ में आया क्या, ये बताओ पहले। हाँ सर मुझे तो समझ में आ गया सर। अब आइए इसका, अगर मुझे मीन निकालना है, ठीक है, इसमें फॉर्मूला हम करते क्या है, आसानी के लिए एक छोटू सा टेबल बनाते हैं, क्या करते हैं, छोटू सा एक टेबल बनाते हैं, प्यारा सा। क्यों बनाते हैं टेबल, तो थोड़ा अच्छा लगता है और बड़ा नीट एंड क्लियर दिखता है उससे। एक्स सही है फिर, एक्स क्या क्या लिखते हैं, तो देखो आठ, आठ के लिए हो गया, दस के लिए हो गया, पंद्रह के लिए हो गया, बीस के लिए हो गया, ठीक है। ये एट है, इधर लिखते हैं और एक बनाना पड़ेगा शायद मुझे लग रहा है। तो ये मान लो एक्स यहाँ पे लिखते हैं, एफ लिखते हैं, यहाँ पे एफ एक्स लिखते हैं, एट फाइव टेन 15, 20, अच्छा एक ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं, 5, 8, 8, 4, F into X का मतलब क्या है, 8 into 5, 40, 10 into 8, 80, है ना, यहाँ पे टोटल कर देता हूँ, F को ऐड करोगे टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब 25, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिला। सर इज द आंसर 320 डिवाइडेड बाय 25? यस सर, राइट। अब इसका x बार मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, 12.8। हाँ सही है, अब मुझे यही तो फॉर्मूला है ना। अब इसका मतलब क्या था, हम इसको ऐसे भी तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि एफ आई एक्स आई सिग्मा आई का वैल्यू 1 का पावर n बाई सिग्मा एफ आई। अब ध्यान से देखना, इससे घबराहट हो रही होगी बहुत लोग, अरे सर ने क्या लिख दिया, कुछ अलग नहीं लिखा, यही चीज लिखा है, F1, X1, F2, X2, Fn, Xn को Fi, Xi को सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया, F1, F2 को ही सिग्मा के फॉर्म में। तो Fi, Xi की Fi, Xi कितना है, 320 है टोटल, 320 डाल दिया। Fi मतलब क्या है, समेशन ऑफ F, 25, 25, बस 12.8 आ गया, फ्रीक्वेंसी हो गया मतलब सॉरी मीन जो हो गया 12.8। सर एक सेकंड सर, आपने क्या किया सर, ये जो एवरेज है, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यस हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या, यही तो या यही हुआ ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा था एफ वन एक्स वन क्यों मल्टीप्लाई किया, तो ये तो समझ में आया, हमने इसी को एफ वन एक्स वन एफ टू एक्स टू को ही हमने सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया, उतना बड़ा कौन लिखता, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या है, F1, X1, F2, X2 है ना,
यस है सर, ना। और ये F1 F2 मतलब क्या, F5 + 8 + 8 + 4 भी इसमें ऐसे लिख दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। समझ में आ गया सर। सिग्मा एफ ऑफ एक्स का जो सम है 320 और Fi फ्रीक्वेंसी का सम जो है 25, तो 12.8 मीन हो गया। बस समझ में आया क्या सारे स्टूडेंट्स को, ये बताओ पहले। डी हाँ डब्ल्यू सर एन के समझ। टी ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी। डन सर। सर हेलो। हेलो हेलो, अच्छा हाँ सर, यस हाँ हो गया सर। हो गया। किसी भी स्टूडेंट से कुछ डाउट है तो पूछ लो यार यहाँ पे प्लीज। इफ समझ एनीबॉडी में आ है, गया सर। अमोघ समझ में आ रहा है क्या? शर्वरी, हाँ सर आ रहा है। यस सर। सिद्धार्थ, अवधूत, यश, अनय, सर आदित्य। अभी इसके ऊपर एक दो और क्या क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या सर, ताकि थोड़ा सा हाँ वो अभी अभी प्रैक्टिस हो अभी जाए। क्वेश्चन ही उसी पे करेंगे एक्चुअली। फिर भले ही नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑलमोस्ट ये हो ही गया है, बट फिर भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और आधा करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि हाँ सर, नहीं तो कुछ हाँ ज्यादा ही हो जाएगा सर थियरी। वही एक्चुअली मैं वही चाहता हूँ कि अभी प्रैक्टिस ही करेंगे इसको, ठीक है? अब इसमें मजा आता है, मेन पे थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आते हैं। सो वेदांग समझ में आ रहा है क्या? तनिष्क, नील, ईशान, अमोघ, संस्कृति। यस सर। हाँ ओके सर। चलो बढ़िया, ठीक है अब क्वेश्चंस करते हैं। हमारे 9th के बुक के अंदर है क्या मोड मीडियम? हाँ बिल्कुल है, तब तो पढ़ा रहा हूँ। लिखो एक प्यारा सा क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। तो इफ द मीन ऑफ द नंबर्स, इफ द मीन ऑफ द इफ द मीन ऑफ द नंबर्स, इफ द मीन ऑफ द इफ द मीन ऑफ द नंबर्स 27 + x 31 + x 89 + x 107 + x 156 + x इज 82, देन बहुत ही फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। देन फाइंड, थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट किया है, देन फाइंड द मीन ऑफ मीन ऑफ 130 + x 126 + x 68 + x 50 + x 1 + x ठीक है? फाइंड द मीन ऑफ 130 + x 126 + x 68 + x 50 + x 1 + x सो नाउ द क्वेश्चन इज इफ मीन ऑफ द नंबर इज 82 देन फाइंड द मीन ऑफ। तो बड़ा सिंपल है, देखो मीन मतलब क्या होता है सिंपल, कि सम ऑफ द नंबर्स। पहले ऑब्जर्वेशन, तो नंबर क्या है 27 + x + 31 + x +89 + x + 107 + x +156 + x है ना, डिवाइडेड बाय 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 82। जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा आसानी से 27 + x² करना है, 31 + x को, 89 + x को,
इसे ऐड करो, जब आप ऐड करते हैं 27, 31, 189, 107, 156 तो 4 1 0 आता है, 4 1 0 प्लस 5x आएगा ना, 5 है तो, और इक्वल टू डिवाइडेड बाय 5 82 इनटू 5 कर देता हूं मैं, तो मेरे पास आ जाएगा कि 5x इक्वल टू 410, ओ माइनस 410 क्या, हाँ ये 410, अरे खतरनाक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जा रही है सर, मैंने आपको जीरो ही वैल्यू भेजी थी। हाँ नहीं नहीं तो एक्स एक्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी है मुझे, तो मीन ऑफ इतना ना शर्वरी निकालनी है, मीन ऑफ। अच्छा ओके सर, हाँ इतना तुमने बराबर किया। हाँ आर्यन बोलो सर, अभी देखे सर 410 प्लस 5x इक्वल्स टू 82 ठीक है राइट सर, तो फिर 410 बाय 5 प्लस 5 प्लस 5x बाय 5 इक्वल्स टू 82 ऐसा भी लिख सकते हैं क्या ना सर? मतलब आप ऐसे बोल रहे हो ना कि 410 प्लस 5x बाय 5 इक्वल टू 82 राइट, ऐसे हाँ लिख दिया। हाँ अभी सर 410 by 5 plus 5x by 5 equals 82. एक मिनट 410 by 5 plus x हो जाएगा फिर 5x by 5 x हो गया, और फिर सर ये 410 का 82 आ जाएगा सर, 410 का 82 आ जाएगा बराबर, तो भी तो ठीक है सर फिर यहाँ से। हाँ ओ ओके ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। So, x की वैल्यू जीरो आ गई, तो रिक्वायर्ड मीन जो हमसे पूछा जा रहा है ये देखो, शर्वी ने यहाँ तक शायद सही किया, उसके बाद जल्दी जल्दी में तुमको लगा कि x की वैल्यू निकालनी है शायद, उसीलिए आपने ये भेज दिया। हाँ सर अंडरस्टूड। सो 130 प्लस, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है 130 प्लस x प्लस 126 प्लस x प्लस 68 प्लस x प्लस 50 प्लस x प्लस 1 प्लस x राइट बाय 5। अब x की तो वैल्यू 0 है, अब 0 रख भी दो तो x बार जो आएगा 130 प्लस 126 68 और 50 आएगा, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा देखो, आई थिंक 375 प्लस 5x बाय 5, तो x की वैल्यू 0 रखो तो 375 प्लस 0 बाय 5 मतलब 375 बाय 5 मतलब 75 आ जाता है, आंसर आ जाता है। या आई होप दैट एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करेंगे। यस सर प्लीज सर, हो गया सबने लिख लिया, जल्दी बताओ। लिख लिया सर। ओके राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन The number of observation in a group is 40. If the mean of first 10, if the mean of first 10 is 4.5 and that of the remaining 30 and that of the remaining 30 is 3.5 and find the mean of the whole group, then find the mean of the whole group. The number of observations in a group is 40 if the mean of the first 10 is 4.5 and that of the remaining 30 is 3.5,
देन फाइंड द मीन ऑफ द होल ग्रुप. So the question is the number of observation in a group is 40. Simple. The mean of first chain is 4.5. Aryan sahi hai, very good. मैंने बोला तब तक आ जाएगा आंसर. तो actually क्या है कि 40 total 40 observation है. Mean of first chain is 4.5. मतलब x1 से लेकर x2, x3, x10 तक जो है 4.5. Simple. तो x1 plus x2 इसका x10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 into 4.5 45 आ गया. ठीक है, वैसे ही फिर एड अप द रिमेनिंग 30, मतलब x11 से लेकर कहां तक, x40 तक, 30 होता है ये कितना है 30 का ये ना, तो इसका जो एवरेज है 3.5. x1 प्लस x12, x40 तक की जो वैल्यू है 30 इंटू 3.5 हो गया द वन या 105 आ जाएगा. अब मुझे पूछा जा रहा है फाइंड द मीन ऑफ द होल ग्रुप. तो व्हाट डज इट मीन, x1 प्लस x2 डॉट x10, ठीक है, प्लस x11 से लेकर कहां तक, x40 तक का सम डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया 40. ये वैल्यू निकालनी है टोटल होल ग्रुप का, यही मीनिंग हुआ. तो x1 प्लस x2 x10 का वैल्यू कितना है 45, और इसका कितना है 105 बाय 40, 150 बाय 4 है ना, सो 40, तो 15/4 जो आ गया मीन आ गया. और यही पूछा जा रहा है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मीन ऑफ द होल ग्रुप, रिक्वायर्ड मीन विल बी 15/4 आंसर. ठीक है, सो गाइस दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स. और अगर हो गया है तो यू कैन लीव. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.